हाय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास 12th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेसन इंडिगो के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी और एक लाइक तो जरूर कीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं। व्हाई डिड गांधी जी अग्री, गांधी जी क्यों सहमत हुए to a settlement of 25%, एक 25% के जो आपस में समझौता हुआ, refund to the farmers, जो किसानों को अदा किया जाएगा किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आइए देखते हैं। द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स अग्री, जो अंग्रेज जमींदार थे वो सहमत हुए टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, किसानों को पैसा वापस करने पर गांधी जी अग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड। गांधी जी 25% के मुआवजे के लिए इसलिए सहमत हुए टू द फार्मर्स, किसानों के लिए, बिकॉज फॉर हिम, क्योंकि उनके लिए द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो पैसा था, जो धनराशि थी, जो रकम थी 25%, वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी इतनी एज द टोकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, बजाय इसके जो अंग्रेजों के ऊपर एक जीत मिली थी किसानों की इस आंदोलन के जरिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, इसीलिए वो इस समझौते पर सहमत हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन, एक साधारण आम भारतीय का दृष्टिकोण क्या था इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो छोटी छोटी कॉलोनियों में रहने वाले थे, बस्तियों में, झोपड़ियों में रहने वाले थे, टुवार्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्वराज के आंदोलन कर्मी थे उनके प्रति, या जो गांधी जी के साथ आंदोलन करने वाले लोग थे जो स्वराज की मांग कर रहे थे उनके प्रति। आंसर देखेंगे। द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी या समुदायों में रहता था वो साधारण भारतीय, वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अंग्रेजी शासन से इतना डरा हुआ था, भयभीत था, that they did not entertain advocates of home rule of their houses, कि जब ये स्वराज के आंदोलन करता उनके घरों पर आते थे वो इस बात से खुश नहीं होता था, वो डर जाता था, सहम जाता था, they dared not show any sympathy towards them, और इसी वजह से वो उन आंदोलन कर्मियों के प्रति जरा सी भी सहानुभूति नहीं दिखाता था। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। Why do you think, आपको क्यों लगता है गांधी जी considered the चंपारण एपिसोड, गांधी जी समझते थे चंपारण का जो एपिसोड था, जो प्रकरण था, जो आंदोलन था, to be a turning point in his life, उनके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसने उनके राजनीतिक जीवन को बदल दिया। आंसर देखेंगे। द चंपारण एपिसोड, चंपारण का जो आंदोलन है, जो प्रकरण है, वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, वह गांधी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जीवन को बदलने वाला एक क्षण है। बिकॉज, क्योंकि हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस, उनकी जो नीति थी निरंतर आज्ञा का ना मानना, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट, और जो भी दंड अंग्रेज दे रहे थे उसको सहजता से स्वीकार करना, दो नीतियों पर काम कर रहे थे, एक तरफ तो अंग्रेजों की किसी भी आज्ञा को मान नहीं रहे थे, दूसरी ओर उसके एवज में जो भी दंड मिल रहा था उसे सहजता से वो स्वीकार कर रहे थे। केम आउट सक्सेसफुल अंत में, ये उनका तरीका या उनके ये दोनों तरीके सफल सिद्ध हुए। द होल नेशन केम टू नो, पूरे देश के लोगों को पता चल गया दैट दे वुड अपोज द ब्रिटिश, कि अब वे आसानी से अंग्रेजों का विरोध कर सकेंगे, और फाइनली इन दो नीतियों पर चलकर गांधी जी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया और 15 अगस्त 1947 को फाइनली देश आजाद हुआ। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। बाय, लॉट्स ऑफ लव।